नए तरीके से बनाए हरे पत्ते वाले प्याज के बहुत ही चटपटी मसालेदार सब्जी के रेसिपी। हरे पत्ते वाले प्याज के ऐसी चटपटी सब्जी आपने आज से पहले ना तो कभी बनाए हैं ना तो कभी खाए हैं, लेकिन आपने एक बार बनाकर जरूर देखिए। इस बात की गारंटी लेती हूँ गाइस, आपको बहुत पसंद आएगी। इन दिनों मार्केट में हरे पत्ते वाले प्याज बहुत ताज़े मिल रही है, तो सर्दी के मौसम में इस तरीके से चटपटी सब्जी आप बनाकर जरूर देखिए, आपको बहुत खाने में टेस्टिंग लगेगी। और साथ में बनाएंगे हम प्याज के कुलचे के तरह रोटी भी आपको बनाना बताऊंगी, बहुत ज़्यादा ही सब्जी के साथ में खाने में टेस्टिंग लगता है। तो चलिए इस रेसिपी के हम शुरू करते हैं। एकदम चटपटी मसालेदार हरे पत्ते वाले प्याज के सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हरे पत्ते वाले प्याज ले लिए हैं, आलू लिए हैं साथ में, और साथ में मटर लिए हैं। तीनों मिक्स करके ये सब्जी बनाएंगे, बहुत टेस्टिंग बनता है। ये पत्ते के जड़ होता है ना प्याज की, इन्हें हम नाइफ से हम कट करके हम हटा लेंगे। आप इन्हें क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस तरीके से बाकी हम सारे निकाल लेंगे, और सब्जी इस तरीके से आप बनाएंगे तो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। प्याज के हम साइड के पार्ट हम कट करके हटा लिए हैं, अब बाकी के चलिए हम छोटे प्याज के हम अलग रखेंगे और पत्ते हम अलग रखेंगे। तो दोनों चीज़ के हम इस रेसिपी में यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम बाकी के कट कर लिए हैं, पत्ते के साइड में रख लिए हैं। अब चलिए हम बारीक हम चॉप कर लेते हैं प्याज। तो इस तरीके से हमें चॉप कर लेना है। यहाँ छोटे प्याज के हम कट कर लिए हैं, चलिए हम प्लेट में हम डाल देंगे। अब बाकी के यहाँ पर पत्ते हैं तो पत्ते के भी हम बारीक हम चॉप कर लेंगे। प्याज के पत्ते हम पूरे कट कर लिए हैं, और उसी प्लेट में हम साइड में एक साइड में हम डाल देंगे। तो दोनों को हमें मिक्स नहीं करना है, रेसिपी में अलग अलग तरीके से हम यूज करेंगे, तो अलग अलग हम दोनों को हम डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम मीडियम साइज़ के 5 आलू लिए हैं, तो ये नया आलू लिए हैं। नाइफ से इस तरीके से हम छिलका हटा लिए हैं, अब हटा कर हम कट कर लेंगे। तो 4 पीसों में इसको कट कर लेंगे इस तरीके से, तुरंत हम पानी में हम ऐड कर देंगे, नहीं तो आलू काला पड़ जाएगा। अब बाकी के इसी तरीके से हम आलू के कट करके हम तैयार कर लेते हैं। आलू हम कट करके तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से आलू के मसल के धो लीजिए, आलू के स्टार्च वगैरह होगा से बाकी के निकल जाएगा था। 3 से 4 पानी से अच्छे से आलू हम धो लिए हैं। चलिए चटपटी मसालेदार सब्जी बना लेते हैं। अब यहाँ गैस ऑन कर दिए हैं, इसके ऊपर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, 3 छोटी चम्मच हम तेल डाल देंगे। अब इन्हें अच्छे से हम गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, 1 छोटी चम्मच हम जीरा डाल दिए हैं, 2 से 3 हम तेज़पत्ता, 3 से 4 हम सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे आलू, आलू के अच्छे से 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम के हम मीडियम रखे हैं, मीडियम फ्लेम पर आलू के भून लिए हैं। अब सफ़ेद वाली प्याज के पोषण हम डाल देंगे, साथ में हम हरी मटर डालेंगे। अब तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब मिक्स करके 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर इन्हें हम पका लेंगे ताकि प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, आलू भी अच्छे से पक जाएगा। अब कवर कर दिए हैं, कवर करके इन्हें हम पका लिए हैं। अब प्याज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम ऐड कर देंगे 1 छोटी चम्मच जिंजर गार्लिक के पेस्ट, आप चाहे तो मार्केट के पैकेट वाले भी आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कलरफुल मसाले, 1 छोटी चम्मच हम धनिया पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, कलर भी देता है और तीखा भी मसाला है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। अब सभी चीज़ों को अच्छे से मीडियम फ्लेम पर हम भून लेंगे, और मसाला के 1 से 2 मिनट अच्छे से हम पकने देंगे। कवर कर दिए हैं, कवर करके इन्हें हम पका लिए हैं। अब इसमें डाल देंगे हरे पत्ते हम प्याज के हम ऐड कर देंगे, और ऐड करके इन्हें इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब प्याज की पत्ते से ही पानी रिलीज हो जाता है, तो अलग से पानी डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी पानी से अच्छे से सब्ज़ी पक जाता है। 1/2 छोटी चम्मच नमक ऐड कर दिए हैं, और नमक ऐड करके हम 2 से 3 मिनट और हम सॉफ्ट होने देंगे, प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगा, आलू भी अच्छे से पक जाएगा, और कवर कर देंगे। सब्जी जब तक ले पक रहा है तब तक चलिए हम प्याज की रोटी की हम आटा गूंथ के तैयार कर लेते हैं। प्याज की रोटी बनाने के लिए यहाँ पर हम गेहूँ के आटे हम 2 कप ले लिए हैं, मीडियम साइज के बारीक चॉप किया हुआ हम प्याज ले लिए हैं, अब इसी में ऐड कर देंगे। अब बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता हम ऐड कर देंगे। इस तरीके से आप प्याज की आप रोटी बना के एक बार ज़रूर देखिएगा, बहुत खाने में टेस्टिंग लगता है। अब इस तरीके से बना के आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। 1/2 छोटी चम्मच हम नमक ऐड कर दिए हैं, 1/2 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच हम रिफाइन ऑयल ऐड कर दिए हैं ताकि
रोटी एकदम सॉफ्ट बनेगा। अब थोड़ा थोड़ा हम पानी हम इसमें डालकर अच्छे से हम आटा सॉफ्ट लगा के तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम प्याज डाले हैं गैस, तो थोड़ा थोड़ा आपको पानी डालकर ऐड करना है, नहीं तो आटा जल्दी गीला हो जाएगा। प्याज में मॉइस्चर होता है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटा सॉफ्ट आटा लगा कर हम तैयारी यहाँ पर कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, मीडियम हम लगा के आटा तैयार कर लिए हैं। अब आटा के 5 मिनट रेस्ट में छोड़ दिए हैं, तब तक इधर हम सब्जी चेक कर लेते हैं। तो सब्जी बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया पत्ता। तो बहुत सारा हम धनिया पत्ता इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा ही सब्ज़ी खाने में टेस्टिंग लगता है, बहुत स्वादिष्ट बनी है सब्जी। तो चलिए आलू के हम चेक करके आपको दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया है आलू। और मटर भी एकदम गल गया है, आप देख सकते हैं बहुत नरम हो गया है। अब इसी स्टेज पर गैस के हम ऑफ कर दिए हैं, चलिए फटाफट सब्जी के हम सर्व कर लेते हैं। एकदम चटपटी मसालेदार सूखी हरे पत्ते वाले प्याज की सब्जी हम यहाँ तैयार कर लिए हैं, बहुत स्वादिष्ट बनी है सब्जी। आप इस तरीके से एक बार जरूर बनाकर देखिए गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टिंग खाने में लगता है। तो ये सब्जी आप चाहे तो पूरी रोटी नान किसी के साथ में भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत स्वादिष्ट खाने में लगता है। तो चलिए फटाफट हम प्याज की रोटी हम बना लेते हैं, प्याज की रोटी के साथ और भी ज़्यादा ही टेस्टिंग लगता है। तो यहाँ मीडियम साइज के हम लोई लेंगे, चिकना कर लेंगे, चिकना करके थोड़ा सा हम इसमें परोथन लगा लेंगे। अब रोटी के हम अच्छे से हम बेल लेंगे, ना ज़्यादा हम पतला बेलेंगे और ना ज़्यादा हम मोटा बेलेंगे, मीडियम हम बेल के हम रोटी हम तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा हम लंबे से में हम दे दिए हैं, कुल 6 के सेब दे दिए हैं, देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में प्याज की रोटी बहुत ज़्यादा टेस्टिंग गाइस लगता है। अब अच्छे से पैन गर्म हो गया था, रोटी डाल के हम पलट लिए हैं। अब इस तरीके से अच्छे से रोटी के हम सेक लेंगे। अब रोटी अब अच्छे से सेक दिया है, चलिए रोटी के हम फुला लेते हैं गैस के ऊपर। तो ये रोटी प्याज के बनाए हैं ना, प्याज के रोटी फूलता नहीं है गाइस। तो इस तरीके से अलट पलट के अच्छे से हम इन्हें सेक लिया, आप देख सकते हैं कुलचे के तरह रोटी लग रहा है। अब बाकी के इसी तरीके से हम रोटी हम सेक के हम और भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ इस तरीके से हम अच्छे से हम फुला लिए हैं। अब चलिए थोड़ा सा हम इसमें हम घी लगा लेंगे, ताकि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टिंग लगेगा। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टिंग बनी है रोटी। अब इस तरीके से एक बार ज़रूर मेरे तरीके से बनाकर देखिए गाइस, आपको बहुत पसंद आएगी। एकदम सॉफ्ट नरम रोटी प्याज के बनी है और खाने में सब्जी के साथ और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगी। तो चलिए इन्हें हम आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ। तो प्याज के बनाए हैं रोटी या प्याज के हरे प्याज पत्ते वाले की हम सब्जी बनाए हैं, और भी ज़्यादा चटपटी और टेस्टिंग इस रोटी के साथ खाने में लगता है। तो इस तरीके से सर्दी के मौसम में इस तरीके से एक बार ज़रूर आप बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी, खाने में बहुत टेस्टिंग लगता है। तो मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल के लाइक और शेयर कीजिएगा, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा गाइस। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए बाय गाइस।